क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एनसीईआरटी टेस्ट बुक का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर। मतलब देखो ध्यान से, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने ऐसे बना देता हूं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बिल्डिंग के ऊपर टावर है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है, इसके बॉटम से, मतलब टावर के बॉटम से और टॉप से ग्राउंड पे दो एंगल बन रहे हैं। दो एंगल कैसे, देखो ध्यान से, एक एंगल तो ये बन रहा है, ये वाला, और एक एंगल यहीं से बन रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसको थोड़ा इधर ले लो, इस तरीके से ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एट द, और हाइट कितनी है भाई बिल्डिंग की, बिल्डिंग की हाइट है इतनी, कितनी 20 मीटर, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, और एंगल कितने हैं। सर देखो नॉर्मल सी बात है यार, जो बड़ा है तो बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री, और ये छोटा है तो 45 डिग्री, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब नाम लिख देते हैं यहां से ए बी सी डी, मतलब मुझसे ए बी निकलवा रहा है, तो मैं ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है, उसमें आदमी चल के जा रहा था तो दोनों एंगल अलग अलग बन रहे थे, इसमें एक ही पॉइंट पे एंगल क्यों बन रहे, क्योंकि टावर के दोनों फुट से और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया यहां तक। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है, तो मैं भाई ए बी को मान लो, थोड़ी देर ए बी को मैंने एक्स मान लिया, तो एक का ये लिख सकता हूं मैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और मुझे तो ए बी निकालना है, तो ए मैं ये लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, इस बी सी को इधर ले आया, तो अल्टीमेट मतलब मुझे क्या करना है भाई, ए बी निकालना है, ठीक है, ए सी में से बी सी माइनस कर दूं तो ए बी आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब दो वेरिएबल है, मतलब दो अलग अलग चीज है, और दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन होंगी तभी तो निकलेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी में, ये वाला, ये एंगल भूल जाओ, मतलब ये एंगल भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है बी सी डी में, कितना एंगल है 45, आई बात समझ में, तो इस इन मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, मुझे क्या पता है परपेंडिकुलर, और ये थीटा से लगता है वो बेस, ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, आई बात समझ में। तो एक काम कर लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, तो टेन थीटा लगा लू मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, पी कितना है बी सी और बेस कितना है सी बी, तो यहां से टेन और थीटा कितना है 45, मतलब टेन 45 इक्वल टू बी सी, तो बी सी कितना है, बी सी है 20, और सी डी कितना है बेस, तो सी डी को सी डी, टेन 45 कितना होता है 1, तो यहां से कितना आएगा 20 अपॉन सी डी, मतलब सी डी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सी डी इक्वल टू 20 मीटर। अब यहां पे आप डायरेक्ट भी एक पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि जब भी 45 एंगल होगा तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत काम की चीज है, कि जब भी एंगल 45 होगा तो बेस वो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बराबर होंगे, तो यहां तक मेरा ये सी डी समझ में आ गया, तो सी डी ये ना। अब दूसरा देखते हैं, देखो अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में सेम वही लगा देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा AC अपॉन CD, ठीक है, टेन थीटा कितना है 10 60, मतलब 10 60, और यहां से कितना है AC कितना है भाई, AC को मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 20, क्यों, देखो यार AB प्लस BC, मतलब AC AB प्लस BC है ना, तो AB कितना है x और BC कितना है 20, तो वही लिख दिया मैंने, और CD कितना है मेरे पास, तो CD को CD रख लो, 1060 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन सी डी, क्लियर है यहां तक। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये वाली सी डी की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये तो बना लिया होगा आपने, इसका काम हो गया मेरा, ठीक है, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो 2, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
वन एंड टू से सी डी की वैल्यू मैं और रख देता हूं, तो रूट थ्री ऐसे ही रहा और यहां से कितना है x प्लस 20 और सी डी कितना है 20, ठीक है। अब इस 20 से इस 20 को मत काट देना, बच्चे गलती कर देते हैं, ये प्लस में है, अगर ये इनटू में होता तो कट जाता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन ये इधर, तो क्या जाएगा 20√3 इक्वल टू एक्स प्लस 20, और मुझे तो x निकालना है तो 20 को इधर ले आता हूं, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन आ रहा है √3 माइनस 1 इनटू एक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 20 इंटू 1.73 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.73 इक्वल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 70 × 40 = 146, 146 और 0, दो के बाद 0 लगेगी, तो हाइट कितनी आ गई 14.6 मीटर, मतलब जो हाइट है टावर की वो इतनी आ गई, तो टावर की हाइट ऑटोमेटिकली बिल्डिंग की हाइट से कम आएगी। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये अब जितने भी क्वेश्चन है 6 से लेके 15 तक, ये सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, जितनी बात मैंने बीच में बोली है उनको नोट डाउन करके लिखना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।